सरकार का गठन करते ही तालिबानियों ने महिलाओं को लेकर अपना असली रंग दिखा दिया है। अब लड़कियों के खेलने कूदने पर तालिबान राज में रोक लगा दी गई है। देख रिपोर्ट। महिलाओं के साथ बर्बरता तालिबान की पहली पहचान रही है। पिछली बार जब तालिबान का राज था तब भी महिलाएं ही सबसे ज्यादा अत्याचार का शिकार हुई थी और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अपनी दूसरी पारी में सबसे पहले महिलाओं के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी। तालिबान के प्रवक्ता ने फरमान जारी करते हुए कहा, अफगान महिलाएं क्रिकेट समेत किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने से उनके शरीर की नुमाइश होगी। महिलाओं के लिए खेल जरूरी भी नहीं है क्योंकि इससे अफगानी औरतों के शरीर के बेपर्दा होने का खतरा है। इससे पहले तालिबान ने कॉलेज जाने वाली लड़कियों को अबाया रोब यानी पूरी लंबाई की ड्रेस के साथ साथ नकाब पहनने का फरमान जारी किया था। साथ ही क्लास में लड़के और लड़कियों को अलग अलग कतार में बिठाकर बीच में पर्दा डालने का आदेश भी जारी किया था। ऐसे ही मनमाने फरमान के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और तालिबान का विरोध कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।